नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रमुख ऑपरेशन 2023 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, जो आने वाले परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। हमारा प्रश्न दिया गया है, भारत ने तुर्की में आए भूकंप की मदद के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल के कर्मियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा उपकरणों को लेकर कौन सा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन दोस्त के तहत। फ्रेंड्स, जो भारत ने जो तुर्की में आए भूकंप की मदद के लिए जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन दोस्त है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 6 फरवरी 2023 को रिएक्टर पैमाने पर 7.7 की तीव्रता के भूकंप से तुर्की और सीरिया को प्रभावित किया था, जिसमें दोनों देशों को बहुत तबाही हुआ था और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा था। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारतीय सेना द्वारा तुर्की में हटाए प्रांत में एक फील्ड अस्पताल भी स्थापित किया गया था। भारतीय वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर विमान को ऑपरेशन में लगाया गया था, और ऑपरेशन दोस्त इस बात की प्रतीक है फ्रेंड्स कि भारत और तुर्की एक मित्र है, अर्थात दोनों को अपने संबंधों को अधिक मजबूत करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। CBI ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो फ्रेंड्स, CBI जो है ड्रग जो नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन गरुड़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CBI ने चाइल्ड प्रोनोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था फ्रेंड? तो ये जो चाइल्ड प्रोनोग्राफिक सर्कुलेट करने वाले के लिए लोगों का पता लगाने के लिए जो CBI द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, वो ऑपरेशन मेक चक्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जो रेल के माध्यम से जो नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं जो व्यक्ति, उसे रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस के तहत जो है जो जो रेलवे के माध्यम से जो नशीले पदार्थ की तस्करी करता है, इस ऑपरेशन के द्वारा रोका जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रेल यात्री को खोए हुए सामान को ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन मिशन अमानत के तहत जो है भारतीय रेल जो यात्रियों को जो खोए हुए सामान रहता है उसे ट्रैकिंग करके वो ऑपरेशन चलाया था, मिशन अमानत। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड, जब भारत यूक्रेन हुआ था, उस समय जो भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हुए थे यूक्रेन में, उससे लाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि डी हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत जो है यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, यह ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया के तहत जो है भारतीय तटरक्षक यानी उड़ीसा के तट पर जो है ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए यह ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया, यह ऑपरेशन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब को तस्करी के रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, यह जो है ऑपरेशन चलाया गया था, जो इसका नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सतर्क। ऑपरेशन सतर्क के तहत जो फ्रेंड्स रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेन में अवैध तंबाकू अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए जो है चलाया गया ऑपरेशन सतर्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑपरेशन देवी शक्ति के अंतर्गत फ्रेंड्स ये जो है विदेश मंत्रालय जो है ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को अब भारत वापस लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को जीएक उपलब्ध कराने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था फ्रेंड? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4,
यानी कि यह जो है ऑपरेशन उपलब्ध के तहत जो फ्रेंड्स यह कालाबाजारी जो रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट में कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध यह चलाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा एक अभियान चलाया था? तो फ्रेंड दिव्यांग लोगों को लिए ट्रैकिंग के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के तहत जो है यह दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो फिर तस्करों से बचाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था इसका नाम क्या है? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट के तहत जो फ्रेंड्स जो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो है चलाया गया था महिलाओं तथा बच्चों का जो तस्करी करते हैं उससे रोकने के लिए जो है ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटना को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो फ्रेंड आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऑपरेशन सर्द हवा के तहत यह जो है सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में जो आतंकवादी घुसपैठ करते हैं उसे रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन के तहत जो है यह चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्र द्वारा टमाटर प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑपरेशन ग्रीन के तहत जो है यह ऑपरेशन जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था जो टमाटर प्याज तथा ऐसे 22 और कृषि उत्पादों के लिए जो है जल्द नष्ट हो जाने के जाते हैं जिसके कारण ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत जो फ्रेंड्स ये जो है जो नौसेना कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाए थे वो ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाए थे। अगला प्रश्न है कि नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों के तीव्र गति से शिपमेंट हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड तीव्र गति से शिपमेंट हेतु ऑक्सीजनों को जो है जो ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड, यानी कि द्वितीय के तहत जो है नौसेना जो है ऑक्सीजन को कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट किया करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 से संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जो भारतीय सेना जो है अपने खुद को कोविड-19 से संक्रमण से जो मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन चलाया था उसका नाम क्या है? तो ऑपरेशन नमस्ते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन नमस्ते के तहत जो है भारतीय सेना अपने खुद को कोविड-19 से संक्रमण से जो है मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन चलाए थे। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीयों नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स यह ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत के तहत जो है विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया अभियान है जो कोविड-19 में दौरान विदेशों में जो फंसे भारतीय थे उससे घर वापस लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव मेडागास्कर सेशेल्स और क्रोमोस की को खाद्य आपूर्ति हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मिशन जो है ऑपरेशन मिशन सागर के तहत जो है यह विदेश मंत्रालय जो है कोविड-19 में निपटने के लिए मालदीव मेडागास्कर सेशेल्स और क्रोमोस को खाद्य आपूर्ति किया था ऑपरेशन मिशन सागर के अंतर्गत। नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला के तहत जो है
नौसेना जो है मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन को चलाया था, ऑपरेशन मनीला। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स यह जो है ऑपरेशन संकल्प जो है ये भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालाकोट स्ट्राइक का कोड कौन सा ऑपरेशन था? तो बालाकोट स्ट्राइक का कोड था ऑपरेशन बंदर के तहत यह जो है स्ट्राइक कोड था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड जो कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा जो एयरपोर्ट को बाढ़ से खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवास चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर है ऑपरेशन सुदर्शन। ऑपरेशन सुदर्शन के तहत जो है बीएसएफ जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तानी सीमा पर जो घुसपैठ होते हैं उसे रोकने के लिए ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाले पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑपरेशन थ्रस्ट। ऑपरेशन थ्रस्ट के तहत जो फ्रेंड्स ऑपरेशन थ्रस्ट के तहत रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाले पानी की बोतलों को बिक्री को रोकने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था? तो फ्रेंड्स यह ऑपरेशन चलाया गया था ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑपरेशन समुद्र मैत्री, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला के तहत एंटी कोविड-19 प्रयासों में सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? यह भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है जिसको ऑपरेशन को जेट के तहत चलाया गया था। भारत सशस्त्र बल द्वारा जो है ऑक्सीजन को पूर्ति करने के लिए जो श्रृंखला चलाई गई थी कोविड-19 के तहत ऑपरेशन कोजेट, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कालाबाजारी को रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था रेलवे के द्वारा वो ऑपरेशन थंडर था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन थंडर के तहत जो है आरक्षित टिकटें हो जो कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन जो है 25 जो है पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी रशीद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इस ऑपरेशन को चलाया गया था फिर ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो, इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।